दुनिया के नंबर एक टेस्ट गेंदबाज कागिजो रबाडा को साउथ अफ्रीका का इस साल का बेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। ये पुरस्कार पिछले 12 महीनों के प्रदर्शन के आधार पर दिया गया है, जिसमें रबाडा लगातार मैच विनर साबित हुए और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना भी किया। रबाडा ने पिछले साल जुलाई से अब तक 12 टेस्ट मैचों में 19.5 दो की औसत से 72 विकेट लिए। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट में उन्हें बाहर रहना पड़ा, चूंकि डिमेरिट अंकों के कारण उन पर प्रतिबंध लगा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की विवादित सीरीज में वो मैन ऑफ द मैच सीरीज चुने गए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ से टकराने के कारण उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। कागिजो रबाडा को इससे पहले साल 2016 में भी ये पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें साल का बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर और वनडे क्रिकेटर भी चुना जा चुका है। रबाडा को दूसरी बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। साउथ अफ्रीका क्रिकेट इतिहास में 2 बार इस अवार्ड को जीतने वाले रबाडा 5वें खिलाड़ी हैं। इससे पहले हाशिम मामला, जैक कालिस, मखाया एंटनी और एबी डिविलियर्स को यह अवार्ड 2 बार मिल चुका है। नेक्स्ट माइंड स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।